अप्रैल में एकादशी कब है? अप्रैल 2023 में वरुथनी एकादशी कब है? कब है वरुथनी एकादशी, जानिए इसका महत्व, शुभ मुहूर्त, व्रत, विधि और कथा। राधे राधे दोस्तों, वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत का महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। बताया जाता है सभी एकादशी की तरह ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि ये एकादशी दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती है और सौभाग्य में वृद्धि करती है। वरुथनी एकादशी का महत्व, आइए हम जानते हैं वरुथनी एकादशी का महत्व क्या है। कहते हैं कि वरुथनी एकादशी का महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कई वर्षों की तपस्या का पुण्य प्राप्त होता है। जाने अनजाने हुए पाप कट जाते हैं और व्यक्ति का दुख दूर होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के बाद वैकुंठ को प्राप्त होता है, लेकिन व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के लिए विधिवत व्रत रखना चाहिए। वरुथनी एकादशी शुभ मुहूर्त, आइए हम जानते हैं। वरुथनी व्रत के पुण्य की बात करें तो वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह 8:05 से हो रही है और ये 16 अप्रैल को सुबह 6:14 पर समाप्त होगी। वरुथनी एकादशी व्रत का विधि क्या है, आइए हम जानते हैं। एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है। ऐसे में सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन आदि करें। इसके बाद प्याज लहसुन आदि से बना या कुछ भी गरिष्ठ भोजन ना करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। विधिवत भगवान की पूजा करें और कथा पढ़ें। दिन भर हरि का नाम जाप करें। बुराई भलाई किसी की चुगली वगैरह न करें। झूठ न बोले। व्रत में फलहार लेना है या नहीं लेना है, ये आपकी सामर्थ्य और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर सेंधा नमक का सेवन कर रहे हैं तो सूर्यास्त से पहले करें। रात में जब तक संभव हो जागरण करके भगवान का नाम जाप करें, भजन कीर्तन वगैरह करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। दक्षिणा आदि सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। वरुथनी एकादशी व्रत और कथा, आइए हम जानते हैं कि इस कथा का महात्म्य क्या है और ये कथा किस प्रकार के हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य करते थे। राजा बहुत ही दानवीर और धर्मात्मा थे। एक बार राजा जंगल के पास तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ एक भालू आया और उसके पैर को चबाने लगा। राजा ने अपने तप में लीन थे। इस बीच भालू उन्हें जंगल में घसीट कर ले गया और राजा को बुरी तरह जख्मी कर दिया। तब राजा ने भगवान को याद किया और प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्हें चक्र से भालू को मार डाला। भालू के हमले से राजा मानधाता अपंग हो गए थे। उन्हें बहुत शारीरिक पीड़ा थी। इस पीड़ा से मुक्ति होने का उपाय जब उन्होंने पूछा तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया और कहा कि हे वत्स, सुख मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर
श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय पीड़ा से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।